हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में घटी एक ऐसी घटना जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। ये घटना मेरे लिए बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि इस घटना के कुछ पीड़ित या विक्टिम लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये इंसिडेंट मुझे काफ़ी अच्छे से याद है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेरे साथ भी दो अजीब घटनाएँ हुई थी, तो आज मैं आपको बताऊँगा मुँह नुचुआ के बारे में। पर पहले मैं अपने चैनल के सभी नए मेम्बर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो चित्रेश, नेतम, वैभव वर्मा, अरविंदर, अमित सोनी, जीडी देव, अमैन गेमर, रॉबिन गेमर, राकेश दास, मोनिका सिंह, वटा क्रीप, ब्रूस वेन, आदित्य राज सिंह, सौम्या रंजन मोहन, संगीता होता, रश्मि पांडे, हर्षवर्धन, अमन मूर्ति सिंह, कातिल 117, पार्थ, आशीष थापा, विशेष रोहिला और कौशिक परदेशी, शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा काम बहुत पसंद है और इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए अच्छी अच्छी जानकारी के साथ अच्छी घटनाएं, असली रियल इंसिडेंट लेकर आता रहूं। तो अब आते हैं आज के वीडियो पर। ये बात है साल 2002 के मई या जून महीने की। तब सबसे पहले बनारस के एक गाँव में एक आदमी के ऊपर रात में सोते हुए किसी अनजान जीव ने हमला करके उसके चेहरे पर घाव कर दिया था। इस घटना के बाद ही गांव वालों ने उस जीव को मुँह नुचुआ नाम दे दिया था। फिर इस घटना के बाद इस तरह के हमले बहुत संख्या में होने लगे। साथ ही ये हमले बनारस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई गांवों में भी होने लगे। कई गांवों में तो लोगों ने यूएफओ को देखे जाने तक की बातें भी बताई थी। हालांकि गाँव के लोगों को यूएफओ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि रात को आसमान में लाल और नीली रोशनी वाले जहाज़ों को उन्होंने अपने खेतों के ऊपर उड़ते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जहाज बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे और वो बहुत ही तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। यही नहीं बल्कि कई लोगों पर तो लेज़र वेपन से हमला भी हुआ था और ये सब बातें न्यूज़ में भी आई थीं। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ मुँह नुचुआ से जुड़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस। दरअसल जब यह मुँह नुचुआ वाला घटनाक्रम चल रहा था, तब मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुई थीं और हर बार छुट्टियों में मैं अपनी मम्मी के साथ अपने गाँव चला जाता था। मेरा गाँव बाराबंकी ज़िले में है। तो जब हम लोग गांव पहुंचे, तब हमारे गांव और आसपास के कई सारे गांव में मुँह नुचुए का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था। गांव के सभी लोग पूरी रात सोते नहीं थे, सभी लोग लाठी डंडे और पानी लेकर बैठे रहते थे और हर दिन कम से कम 3 से 4 बार खबर आती थी कि उस गांव में मुँह नुचुआ पकड़ा गया या कभी खबर आती थी कि उस आदमी पर मुँह नुचुआ ने हमला कर दिया। इस तरह की खबरें मिलते ही सभी लोग भागते हुए जाते थे मुँह नुचुआ को देखने के लिए। यहाँ तक कि मैं खुद भी कई जगहों पर भाग कर गया था मुँह नुचुआ को देखने के लिए, लेकिन मुझे कभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैंने एक दो ऐसे लोगों को देखा था जिनके ऊपर मुँह नुचुआ ने हमला किया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। वैसे एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उस टाइम मैं बहुत ही नास्तिक टाइप इंसान था। मतलब मैं ना भगवान को मानता था, ना शैतान को, ना भूत प्रेतों को और ना एलियंस को ही। इसलिए मुझे ये सब बातें बिल्कुल बकवास की और फालतू बातें लगती थीं। लेकिन एक रात को मेरे गांव में मेरे घर के पास ही किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि पक्का वहाँ कोई हादसा हुआ है। शोर सुनकर गांव के लोग भी भागकर वहाँ आ गए। मैं भी उस जगह गया था जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही हम सब ने देखा कि एक 19-20 साल के लड़के के हाथ, पैर और चेहरे पर बहुत ही भयानक जलने के निशान थे, पर वो निशान आग से जलने के नहीं थे। ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि आग से जलने पर इंसान की चमड़ी सिकुड़ जाती है और कहीं कहीं छाले भी पड़ जाते हैं, पर उस लड़के के घाव बिल्कुल सफ़ेद से हो गए थे। वहाँ पे ना चमड़ी सिकुड़ी थी और ना ही उसके कहीं पर भी छाले निकले हुए थे। एक और बात कि वो लड़का बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जला था और सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर आग का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सब घटना देख कर मैं भी डर गया था। फिर मुँह नुचुए के खौफ से अगले ही दिन मेरे परिवार वाले मुझे साथ लेकर वापस लखनऊ आ गए, क्योंकि मेरा घर लखनऊ में है। पर यहाँ लखनऊ में भी उस मुँह नुचुए ने बवाल मचा रखा था। मुँह नुचुआ के बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि ये रात के अंधेरे में इंसानों पर हमला करता है और हमला करके भाग जाता है। मुँह नुचुआ के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये कोई जिंदा जीव नहीं है बल्कि कोई रोबोट या मशीन है, इसीलिए लोग रात को सोते समय अपने साथ एक बाल्टी पानी लेकर सोते थे। ये थी मुँह नुचुआ के बारे में जानकारी जो मैंने अभी आपको दी। और अब मैं आपको बताता हूँ मुँह नुचुआ से जुड़ा मेरा एक्सपीरियंस। तो मुँह नुचुआ वाला बवाल जब चल रहा था, तब मेरे साथ दो अजीब घटनाएं हुई थीं।
एक घटना तो मैंने अपने एक वीडियो में बताई थी, पर फिर भी मैं उसे दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। ये दोनों घटनाएं मेरे लखनऊ वाले घर में हुई थीं। दरअसल जब मोनोचुआ का बहुत भयानक आतंक फैला हुआ था, तब गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग उस समय छत पर सोते थे। हम लोग भी अपने साथ डंडे, चाकू और एक बाल्टी पानी लेके ही सोते थे, ताकि अगर मोनोचुआ हम पे हमला करे तो हम अपना बचाव कर सकें। तो ऐसे ही एक रात को अचानक मेरी नींद खुली। उस समय रात के लगभग 2 या 3 बजे होंगे। तो नींद खुलते ही मैं आसमान में तारे देखने लगा। मेरी आज भी आदत है, रात को जब मेरी आँख खुलती है तब मैं आसमान देखता हूँ। तो रात को जब मैं आसमान में देख रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि एक बड़ा सा आग का गोला उड़ते हुए उत्तर दिशा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। उस आग के गोले को देख के मुझे लगा कि शायद ये मोनोचुआ है, इसलिए मैंने तुरंत अपने बगल में लेटे बड़े भाई को जगा दिया। मैंने उससे कहा कि वो देखो, वो आसमान में क्या है। लेकिन जब मेरा भाई उस चीज़ को देखता, उससे पहले ही वो आग का गोला नीचे गिर गया। मेरे भाई को आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि आसमान में कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलकर वो फिर से सोने लगा। पर तभी वो आग का गोला दोबारा उड़ते हुए ऊपर उठने लगा। ये देखते ही मैं घबरा गया। मैंने फिर से अपने भाई को जगाया और कहा कि देखो, वहाँ आसमान में कुछ है। पर दोबारा मेरे भाई के देखने से पहले ही वो आग का गोला फिर से नीचे गिर गया। इस बार भी मेरा भाई उस आग के गोले को नहीं देख पाया। पर अब की बार मेरा भाई मुझ पर गुस्सा आ गया था। वो मुझसे गुस्से में बोला कि अब अगर तुमने मुझे फिर से जगाया तो मैं तुमको छत से नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद मेरा भाई सो गया और फिर तीसरी बार वो आग का गोला ऊपर नहीं उठा। फिर इसके कुछ देर बाद मैं भी सो गया। फिर अगले दिन मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। तो मेरी एक दादी थी जो कि हमारे यहाँ किराए पर रहती थी, पर उनको सभी लोग दादी दादी कहते थे। उन्होंने भी मेरी बात सुनी। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो आग का गोला जीव था। जीव मतलब इंसान के प्राण या जान, जो इस दुनिया से मुक्त हो रहे थे। उस प्राण को टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको देखकर मन में कोई चीज मांग लेनी चाहिए। ये थी पहली घटना जो मैंने अभी आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी घटना, जो कि इससे भी ज़्यादा अजीब है। ये घटना भी मोनोचुआ के टाइम ही घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि हम सभी लोग कुछ दिन तो छत पे सोए, लेकिन कुछ दिन बाद मोनोचुए के डर से हम लोग वापस नीचे सोने लगे। लेकिन नीचे भी हम लोग कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि हमारे घर का आंगन काफ़ी बड़ा है, इसलिए मेरी फैमिली के सभी लोग दो अलग अलग बेड पर आंगन में ही सोते थे। मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई एक बेड पर सोते थे, और मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग एक अलग बेड पर सोते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक रात जब हम सभी लोग बिल्कुल आराम से सो रहे थे, तभी हमारे आंगन के पास कोई चीज़ आकर गिरी। गिरने की आवाज़ से वो चीज़ ज़्यादा भारी नहीं लग रही थी। फिर उस चीज़ के गिरने से मेरी और मेरी मम्मी की नींद खुल गई, और जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, तब तक उस चीज़ से बहुत ही तेज घन की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही पावरफुल मशीन स्टार्ट हो रही हो। वो आवाज़ सुनते ही मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे दोनों भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। एकदम से चीख पुकार मच गई थी वहाँ पर। फिर लगभग 25 सेकंड तक वो आवाज़ आती रही, और उसके बाद अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई। इसके तुरंत बाद ही मेरे पापा उठकर आंगन में देखने गए कि आखिर वहाँ पर था क्या, पर पापा को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। वो जो कुछ भी था वहाँ से जा चुका था। इसके बाद हम सभी फिर से सो गए। ये घटना मुझे बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि आखिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो इतनी तेज़ आवाज़ करे। मुझे लगता है कि उस रात जिस चीज़ से आवाज़ आ रही थी वो मोनोचुआ ही था, और मेरा मानना है कि मोनोचुआ कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रोन था जो लोगों पर हमला कर रहा था। दोस्तों, मैंने अभी जो दो घटनाएं आपको बताई हैं, ये सब बिल्कुल रियल हैं। मैंने कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताई है, और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब मैं आपको एक और बहुत हैरानी की बात बताता हूँ। दरअसल मोनोचुआ की घटनाएं बंद कैसे हुई थी, इसकी भी एक स्टोरी है। एक बार उसी मोनोचुआ के टाइम पे ही एक बड़ा नेता हमारे गांव आया हुआ था। दरअसल हमारे गांव क्या, वो बाराबंकी ज़िले में चुनाव का प्रचार कर रहा था, उस समय इलेक्शन भी चल रहे थे। तो उस नेता से हमारे गांव के लोगों ने बहुत ही विनती की कि आप हमें मोनोचुआ से बचाइए, और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो गांव वालों की इस बात पर उस नेता ने कहा कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, कल से मोनोचुआ नहीं दिखेगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि फिर अगले दिन से सच पे मोनोचुआ द्वारा हमला किए जाने की कोई भी घटना सामने नहीं आई।
ये पूरी बात मेरे मामा ने मेरे परिवार को बताई थी। मेरे मामा को शक हो रहा था कि इस मोनोचवा वाले कांड में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है। मेरे मामा वही गांव में रहते हैं और इसीलिए उनको इस बात की जानकारी थी। दोस्तों, सरकार का अपनी जनता से झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बेंगलोर में सोनिक बूम की घटना को हमारी गवर्नमेंट ने फाइटर जेट की टेस्टिंग बता दिया था, वैसे ही हमारी सरकार हमसे बहुत कुछ छुपाती है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सोनिक बूम को लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में कोई भी फाइटर जेट दिखाई नहीं देता है, बस सोनिक बूम की आवाज़ ही सुनाई देती है। देखिए वीडियो। So this is what we heard today in Bangalore around 1:20. And many more have been reported this massive explosion sound. Some explosion. So we are waiting for the reports which are coming from. So here's the sound, guys. इस घटना के बाद हमारी गवर्नमेंट ने भी माना था कि वहां पर कोई फाइटर जेट नहीं है, पर कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि वहां पर मिराज 2000 फाइटर जेट उड़ रहे थे। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं इतना तो जानता ही हूं कि यह सोनिक बूम की आवाज किसी फाइटर जेट के उड़ने की नहीं थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर फाइटर जेट से सोनिक बूम की आवाज आती तो वो आवाज दूर से आती हुई गुजर जाती, पर इस वीडियो में तो ब्लास्ट की आवाज आ रही है, वो भी एक ही जगह से। आखिर सारे फाइटर जेट एक ही जगह पर साउंड बैरियर कैसे तोड़ सकते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। खैर, बाकी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है और ये हॉरर वीडियो नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी बेस्ड वीडियो है। और बाकी मैं हॉरर वीडियो भी अगली बार लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।